అనుదిన అనుక్షణ మనయల్లు కలియో కలిక యొసలి జొతేగూడి హెచ్చ సీ కలియో నమ్మ క్లాస్ ఎసో ఎస్టి ma'am अल्लाक वरमि वर्कू मैं आप सभी तलबा व नाजरीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में दिल से इस्तकबाल करती हूँ खुशामदीद मैं हरशियाना बेगम मावीन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मालेगांव तालुका व ज़िला बिदर आज हम जमात हस्तुम मजमूम समाजी साइंस हिस्सा है तारीख से सबक़ नंबर दस बादामी के चालुक्या और कांची के पल्लवा का मतलब करेंगे जिसकी आज ये पहली क्लास है प्यारे बच्चों सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद तस्वीर के ज़रिए सवाल पूछूंगी उम्मीद करती हूँ आप इन तस्वीर का बाहर मुशाह करते हुए जवाब देने की कोशिश करेंगे बच्चों ये पहली तस्वीर दिखाई दे रही है आपको ये किस तारीख़ी इमारत की तस्वीर है और ये कहाँ वाक़ है सोचिए जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों शाबाश ये मशहूर तारीख़ी इमारत गोल गुम्बद है जो हमारी रियासत कर्नाटक के शहर विजयपुर में वाक़ है बच्चों ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुम्बद है इसकी तामीर बहमनी सल्तनत के मशहूर बादशाह मोहम्मद आदिल शाह ने करवाई थी अच्छा बच्चों ये जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है ये किस इमारत की है और ये कहाँ वाक़ है जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों शाबाश। ये हजार राम स्वामी मंदिर की तस्वीर है जो हम्पी में वाक़ है बच्चों हमारी रियासत कर्नाटक में हम्पी अपनी तारीखी इमारतों के लिए बहुत मशहूर है अच्छा बच्चों अब ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको सोचिए और से देखिए जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों ये ग़ार है अच्छा बच्चों कहाँ का ग़ार है ये ग़ार कहाँ वाक़ है जी शब्बाश बच्चों बिल्कुल सही ये बादामी में है चलिए बच्चों अब हम सबक बादामी के चालुक्या का मुतालिया करें आज हम इस सबक के मुताले के बाद जानेंगे बादामी के चालुक्य की हुकूमत के आगाज़ के बारे में जानेंगे उसके बाद हम इस हुकूमत के मशहूर बादशाह पुलकेशी दुगम के कारनामे जानेंगे हम चालुक्य के मजहबी समाजी फ़ौजी और अदालती खदम जानेंगे फन तमीरत और संग तराशी के लिए बादामी चालुक्य के खदमात जानेंगे चलिए बच्चों अब हम सबक का तफसी मुताल करें बादामी के चालुक्या हुकूमत ने पाँच सौ चालीस से सात सौ तिरपन तक हुकूमत की चालुक्या की हुकूमत का आगाज छट्टी सदी में हुआ और ये आठवीं सदी के दरमियान में ख़त्म हुई यानी बच्चों चालुक्या हुकूमत ने तकरीबन दो सौ सालों तक हुकूमत की राजा जयसीमा इस अजीम सल्तनत का बानी था बानी ने इस सल्तनत को शुरू करने वाला इसकी बुनियाद डालने वाला राजा जयासीमा था चालुक्य हुकूमत का पाया बादामी था बच्चों बादामी को वाटापी भी कहा जाता है आप ये नक्शा देख रहे हो बादामी यहाँ पर वाक़ है बादामी बागलकोट में वाक़ है बच्चों बागलकोट रियासत कर्नाटक का एक ज़िला है रियासत कर्नाटक में छठी सदी ईस्वी में कई बादशाहों ने हुकूमत की जिनमें बादामी के चालुक्या ने अपनी पूरी शान शौकत से तकरीबन 200 सालों तक हुकूमत की और जनूबी हिंदुस्तान की तारीख में अपना एक खास मुकाम हासिल किया और साथ ही हिंदुस्तान की तारीख में भी अपना एक अहम मुकाम रखती है बच्चों आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है इमेडी पुल कैशी की तस्वीर है जो इस सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह है चलिए बच्चों हम पुल केशी दोवम के बारे में मजीद मालूम हासिल करें पुल धुवम चालुक्य खानदान के बादशाहों में सबसे ताकतवर और काबिल जिक्र बादशाह था विरासत में मिलने वाली बाप की हुकूमत को अपने चाचा मंगलेश से जंग के ज़रिए छीन लिया यानी बच्चों छीन लिया विरासत यानी जो ख़ानदानी उसकी हुकूमत थी उसे अपने चाचा से छीननी पड़ी क्यों क्योंकि जब पुल के शेद ओवम तख्त पर बैठा उसकी उम्र बहुत कम थी इसलिए उसके चाचा मंगलेश ने उसकी हुकूमत को संभाला अब अच्छा, जब पुल के शेद ओवम अपनी सही उम्र पर पहुंचा यानी जब वो हुकूमत संभालने के काबिल हो गया तब वो अपनी हुकूमत वापस चाहता था लेकिन उसका चाचा मंगलेश उसे उसकी हुकूमत देना नहीं चाहता था बल्कि वो अपने बेटे को तख्त पर बिठाना चाहता था इसीलिए प्ले के ने अपने चाचा मंगलेश के साथ जंग की और उसको उसमें कतल किया इस तरह उसने अपनी हुकूमत को हासिल कर लिया इसके बाद अपनी हुकूमत की तोसी के लिए बहुत से बहुत से बादशाहों को शिकस्त दी जिनमें गंगा कदम्बा अलुपास वगैरह हैं तो या ने बच्चों अपनी हुकूमत को फैलाने के लिए पुल किसी ने बहुत से राजाओं के लिए बहुत से राजाओं के साथ जंग की और उनको उसमें शिकस्त दी और अपनी हुकूमत को फैलाया और बढ़ाया जुनूबी दक्कन में पल्लवा अपनी फतह की ऊंचाई पर थे पल्लवा खानदान का हुक्मरान महेंद्र वर्मा था महेंद्र वर्मा ने पुल के इक्तदार को तस्लीम नहीं किया और पुल ने इसे शिकस्त दी बच्चों महेंद्र वर्मा खानदान का एक मशहूर हुक्मरान था पल्लावा जुनूबी दक्कन की एक हुकूमत थी वो पुलिकेशी केशी की हुकूमत को कबूल नहीं किया तब पुलिकेशी ने उसे शिकस्त दी चलिए बच्चों अब हम पुलकेशी दुबम की और एक अहम जंग के बारे में जानते हैं पुलिकेशी केशी और हर्षवर्धना के दरमियान होने वाली जंग हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मुकाम रखती है हर्षवर्धना शुमाली हिंद पर हुक्मरान नहीं कर रहा था वो आगे बढ़ता हुआ नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा तो पुलकेशी ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और इसे शिकस्त दी बच्चों हर्षवर्धना शुमाली हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर राजा था और ताकतवर राजा था वो अपनी हुकूमत को जुनूब में भी पढ़ाना चाहता था फैलाना फह, फैलाना चाहता था इसलिए वो नर्मदा नदी पर पहुंचा पुल केशी पर हमला करने के लिए जब पुल केशी ने पूरी तैयारी के साथ उसका मुकाबला किया और नर्मदा नदी पर दोनों के दरमियान एक घमासान जंग चली जिसमें पुलकेशी ने हर्षवर्धना को शिकस्त दी इस जीत की वजह से पुलिकेशी केशी दुबम ने दक्षिणापतेश्वर का खिताब जीत लिया और लार्ड ऑफ पेनन्सुला लार्ड ऑफ पेनन्सुला यानी बच्चों जजीर नुमा का आखा का खिताब इसकी दिलेरी पर मिला बच्चों इस जंग के बाद पुल दुबम और हर्षवर्धना के दरमियान दोस्ताना ताल्क़त क़ायम है और नर्मदा नदी इन दोनों के दरमियान एक क़ुदरतीहद बनी देखिए आप इस नक्शे में हिंदुस्तान के नक्शे में नर्मदा नदी को देख सकते हैं नर्मदा नदी हिंदुस्तान के दरमियान में यानी शुमाल और जुनूब के दरमियान में वाक़ है इसीलिए यह कुदरती सरहद बनी हर्षवर्धना और पुलिस के दरमियान हर्षवर्धना शुमाल हुकूमत करता था और पुलिस में इस तरह ये नर्मदा नदी दोनों के दरमियान सरहद बनी बच्चों आपको ये नक्शा दिखाई दे रहा है जी बच्चों ये पीले रंग से जो इलाका है पुल की हुकूमत का फैलाव है चारों तरफ जीत हासिल करने के बाद पुलेशी दुबम की हुकूमत शुमाल में नर्मदा नदी जुनूब में मैसूर मशरक में खलीज बंगाल और महरिब में बहरे अरब तक फैल गई इस तरह बच्चों पुलेशी दुबम की हुकूमत बहुत ज्यादा फैली पुली अपनी सारी हुकूमत पर सिर्फ एक मरकज से हुकूमत कर ना सका लिहाजा इसने अपने छोटे भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वेंगी का मुंतजम बनाया यानी बच्चों अपनी मदद के लिए उसने अपने छोटे भाई उपजा विष्णुर्धन को वैंगी का मंतज मनतज़म यानी इंतज़ाम करने के लिए वहाँ की देख रेख करने के लिए अपने उस अपने छोटे भाई को वहाँ पर रखा वेंगी पर इसके बाद इन लोगों ने इस इस मुल्क पर 500 सालों तक हुकूमत की और इनका नाम चालू किया कि वेंगी रहा यानी बच्चों इन्होंने वेंगी पर हुकूमत की वैंगी पर पाँच सालों तक हुकूमत की चलिए बच्चों अब हम यहाँ एक सरगर्मी करेंगे जिसमें मैं आपको चंद सवाल पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल हुकूमत का बानी कौन था जी सोचिए जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों शाबाश चालुक्य हुकूमत का बानी राजा जय था दूसरा सवाल प्ले किसी दुबम ने शुमाली हिंदुस्तान के किस शहन को शिकस्त दी बताइए जी बिल्कुल सही बच्चों शाबाश प्ल दुवम ने शुमाली हिंदुस्तान के शहनशाह हर्षवर्धन को शिकस्त दी अगला सवाल प्लेकेशी दुवम ने किसको वेंगी का मंतजम बनाया किसको बनाया बच्चों जी बिल्कुल सही प्ल दुवम ने अपने छोटे भाई गुप्चा विष्णुवर्धन को वेंगी का मुंतजम बनाया बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो की तस्वीर है जो घूमने फिरने आता हिम चीनी सैया था तो चीन से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के दौरे को पर आया था उस वक्त उसने चालुक्या का दौरा भी किया और उस वक्त पुलेशी धुवम की हुकूमत थी इसने इस दौर के हालात तफसील से बयान किए इसने कहा था बादशाह नहायत मेहरबान है फौज मुनज़म है और सिपाहियों में दिलेरी है और सब जंगजू हैं जंगजू यानी बच्चों जंग करने वाले जो माँ से डरते नहीं और सबके सब सच्चाई सब सब से प्यार करते हैं मेहनती हैं और खुद की इज्जत करते हैं खुशहाल हैं और बादशाह के वफादार हैं ये बादशाह की इज्जत करते हैं और बादशाह भी इनसे प्यार करता है बच्चों ह्यून सन की इस तहरीर से पता चलता है कि पुलकेशी दुवम का इंतज़ामिया बहुत अच्छा था इसीलिए उसकी फ़ौज उससे बहुत खुश थी और फ़ौज और बादशाह के दरमियान बहुत अच्छे तलुक़ थे वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे और बादशाह अपनी फ़ौज से प्यार करता था चलिए बच्चों पुलकेशी दुवम के बारे में और मज़ीद मालूम हासिल करें प्लेकेशी दुवम रजयत पसंद हुक्मरान था गैर मुल्की बादशाहों से भी दोस्ताना तलुक़त रखता था यानी रजैयत यानी बच्चों अच्छे ख़यालत वाला इंसान था इसीलिए उसके सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी उसके दोस्ताना तल्लुत थे वो ईरानी बादशाह कसरो धुओम के साथ सियासी तलुक़ा रखता था पल्लवा ख़ानदान का महेंद्र वर्मा जिसे पुलकेशी ने शिकस्त दी थी इसका बेटा नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने चंद सालों बाद अपनी बाप की शिकस्त का बदला लेने के लिए हुकूमत पर कब्जा कर लिया बच्चों पुलकेशी दुबम ने मह पल्लवा ख़ानदान के महेंद्र वर्मा को शिकस्त दी थी उसी का बेटा नरसिम्हा वर्मा जब बादशाह बना उसने अपनी बाप की शिकस्त का बदला लिया और उसने पुलकेशी दुवम पर हमला किया और बादामी पर कब्जा कर लिया इस तरह बादामी कुछ दिनों तक उनके कब्जे में रही चालुक्य के आखिरी बादशाह कीर्ति वर्मा के ज़माने में राष्ट्रा के दंती दुर्गा ने इस पर कब्जा कर लिया बच्चों कीर्ति वर्मा चालुक्य हुकूमत का आखिरी वादेशा था उसके दौरे में दंती दुर्गा जो राष्ट्रपुता का था, उसने चालुक्या पर कब्जा कर लिया चलिए बच्चों अब हम एक सरगर्मी करें जिसमें मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल चालुक्या दौरे हुकूमत में आने वाला चीनी सैया कौन था सुझीए? जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों चालुक्या दौर में आने वाला चीनी सयाहसैंग था अगला सवाल चालुक्य हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था बताइए जी बिल्कुल सही बच्चों शाहब्बाश चालुक्य हुकूमत का आखिरी बादशाह कीर्ति वर्मा था चलिए बच्चों अब हम यहाँ चालुक्या के खदमात के बारे में जाने चालुक्या ने कनाडा सरजमीन ज़ुबान और तहजीब को काफ़ी तरक्की दी इन्होंने इस सरजमीन को कर्नाटक का नाम दिया बच्चों चालुक्या दौर हुकूमत में कन्नड़ा को बहुत तरक्की हुई यहाँ की ज़ुबान तहजीब हर इसको यहाँ पर बहुत तरक्की मिली कर्नाटक की तारीख में चालुक्या का दौरे हुकूमत नाती जर अहद था बादशाह मुकम्मिल तंदही के साथ इंतजामी उमूर में हिस्सा लेता था तंदही याने तंदही पूरी दिलचस्पी के साथ अपनी हर इंतजाम को देखते थे हर इंतज़ाम की इसमें हिस्सा लेते थे वो बादशाह सल्तनत सोबों में तकसीम थी हर सूबे को विषया कहते जिसका इंतजाम करने वाले को विषयापति कहते थे बच्चों चालुक्य दौर हुकूमत में उनकी सल्तनत को शोबों में तकसीम किया गया था जिसको विषया कहते और वहाँ के इंतज़ाम करने वाले को विषयापति कहते थे फरिया सबसे छोटी इकाई होता था फरिया यानी बच्चों छोटा तो फरिया वहाँ की सबसे छोटी इकाई होता था खरी के रहनुमा इस खरी के हिसाब किताब की जिम्मेदारियाँ दिए हुए थे हर खरी में वहाँ के रहनुमा होते जो वहाँ के कामकाज को देखते वहाँ की हिसाब किताब की जिम्मेदारियाँ निभाते थे चलिए बच्चों अब हम चालुक्या के मजहबी खदमात के बारे में जाने चालुकिया वैष्णव शैवा और जैन मजहब के सरपरस्त थे इन्होंने जैनों की मंदिरों की तामीर में मदद की और बुद्ध लोगों के विहारा तामीर करने में मदद की विहारा बच्चों बुद्ध लोगों की इबादत गाहों को विहारा कहते हैं। अब हम चालुक्या के अदबी के बारे में जानेंगे। चालुक्या में? और को काफी तरक्की मिली कन्नड़ा इनकी रियासती जुबान थी बच्चों चालुक्या दौर में दो जुबानों को बहुत तरक्की मिली कन्नड़ा और संस्कृत को इस दौर में शायरी की सिंफ स्पन्द तिरुपति वजूद में आई तिरुपति यानी बच्चों तीन मिस्रों या तीन शेरी तीन शेरों वाली नजम को त्रिपिक त्रिपदी कहते हैं जो चालुक्या दौरे में में आई। इस जोन में कन्नड़ुआ में कोई अदबी काम नहीं हुआ यानी बच्चों इस दौर में कन्नड़ा में कोई तसानीफ या किताबें नहीं लिखी गई लेकिन चट्टानों पर कन्नड़ में लिखा हुआ मिलता है बादमी के आर्या की एक नजम मुसलिस की शक्ल में मिलती है बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो बादमी के आर्यभट्ट की नजम है जो एक चट्टान पर लिखी हुई है जिसको हम क्या कहेंगे कथबा चट्टानों पर लिखा हुआ जो होता है उसे हम कतबा कहते हैं इस जमाने के संस्कृत उलमा रवि कीर्ति विजिका अकलंका है बच्चों विजिका पुलिकेशी दुवम की बहुत ही विजिका ने कॉमेडी महोत्सव संस्कृत ड्रामा लिखा बच्चों कॉमेडी महोत्सव विजिका का एक संस्कृत ड्रामा था शिवा भटाका ने हरा पार्वती ड्रामा लिखा हरा पार्वती भी एक संस्कृत ड्रामा है जो उस दौर का मशहूर ड्रामा है चलिए बच्चों अब हम यहाँ एक सरगर्मी करें पहला सवाल चालुक्या दौर की सरकारी जुबा कौन सी थी जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों शाबाश चालुक्या दौर की सरकारी जुबा कन्नड़ा थी दूसरा सवाल चालुक्य दौर के संस्कृत उलमा के नाम बताइए शाबाश बच्चों बिल्कुल सही रवि विजिका अकलंका चालुक्य दौर के संस्कृत उलमा थे चलिए बच्चों अब हम फने तामीरात और संगे तराशी के लिए बादामी चालुक्य के खदमान जाने बादामी के चालुक्य बादशाह अजीम मामार और अदब के प्रस्ताव थे मामार यानी बच्चों तामिर करने वाले इनके दौर में बहुत सारे तामीरात हुए इन्होंने पट्टा दखलू आय होले और बादामी में खूबसूरत मंदिर तामिर किए इन्होंने फन तामिर में एक ख़ास अंदाज़ अपनाया जिसे चालुक्य अंदाज़ कहा जाता है और हिंदुस्तानी तहजीब में मशहूर है बच्चों चालुकिया दौरे हुकूमत में इन, इन लोगों ने अपना एक नया अंदाज अपनाया इन्होंने नागर और डरविडियन को मिलाकर अपना एक नया अंदाज बनाया जिसको अंदाज कहा जाता है इन्होंने गारों की मंदिर तामीर किए जो बड़ी बड़ी चट्टानों में तामीर किए जाते हैं जैसा आप ये देख सकते हो बच्चों इस दौर में मंदिरों की तामिर के लिए सुर्ख रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया इन्होंने कई एक मशविरों और नक्श नगार करने वालों को बहुत बढ़ावा दिया बच्चों इनके दौर में मुशविरों और नक्श नगार करने वालों को बहुत बढ़ावा मिला मुशविर यानी बच्चों तस्वीरें बनाने वाले नक्श नगार करने वालों को इस दौर में बहुत तरक्की हुई बादामी आह होले पट्ट दलु के फ़न तमीरत के अहम मराक़ज़ हैं यानी बच्चों इन तीनों शहरों में बादामी आह होले पट्ट में चालुक्य के दौर में बहुत ज्यादा तमीरत यहाँ पर किए गए चलिए बच्चों अब हम इनके बारे में तफसी जाने आयहोले आयहोले में मंदिर मंदिरों के फन तामीर की इरतः का पहला तजुर्बा हुआ बच्चों आयहोले में सबसे पहले मंदिर तामीर किए गए चालुक्या दौर में यहाँ से इनकी मंदिरों की तामीर का आगाज हुआ आयहोले से इन्होंने मंदिर तामीर करने शुरू किए आले के मशहूर मंदिरों में लाड़खा का मंदिर दुर्गा मंदिर मिगोती मंदिर हुच्ची, हुच्ची मुली मंदिर अहम हैं यहाँ से इनकी इनकी परवरिश हुई इनके जो मंदिर थे यहाँ से तामीर करना शुरू करे और इनको यहाँ से बढ़ावा मिला इनकी यहाँ से परवरिश हुई इनको यहाँ से तरक्की हुई इनके मंदिरों की बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हो दुर्गा की मंदिर है दुर्गा मंदिर आहोले के मंदिरों में सबसे खास मंदिर है ये सूरज का मंदिर है इस मंदिर की तामीर घोड़ों के जूतों और बुद्धिस्ट चटल्यास के तस् पर की गई थी बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हो लाखा मंदिर है लाखा का मंदिर आहोले के मंदिरों में एक कदीम मंदिर था इसमें लाखा नामी मुस्लिम मुस्लिम संत कई दिनों तक रहने की वजह से इसको लड़का नाम दिया गया बच्चों ये मिगोती मंदिर है मिगोती मंदिर आहोले के मिगोती मंदिर जैन मंदिर है जो आहोले के तामिर किया गया बच्चों ये हु मंदिर है हुची मंदिर आहोले के मंदिरों में छोटा मंदिर है और इसको सादा तस् पर तामीर किया गया चलिए बच्चों अब हम पट्टा के के बारे में जाने मजीद मालूम हासिल करें पट्टा के मंदिरों में विरूपाक्षा का मंदिर जिसको लोकेश्वर भी कहा जाता है बहुत बड़ा और खूबसूरत है आप जो ये तस्वीर देख रहे हो विरूपाक्षा मंदिर की है जो पट्टा में वाक़ है बच्चों इस मंदिर की तामीर लोका महादेवी ने करवाई थी लोका महादेवी विक्रमादित्य की बीवी थी बच्चों विक्रमादित्य चालुक्य हुकूमत का एक मशहूर हुक्मरान था इसने पल्लवाओं को बच्चों इसने के खिलाफ तीन जगहों में फतह हासिल की इन फतह की याद में इस मंदिर को तामीर करवाया गया मालिकार्जुन मंदिर जिसको तिल त्रिलोकेश्वर भी कहा जाता है दूसरा अहम मंदिर है माना जाता है कि पट्टा में चालुक्य राजाओं की तकनशीनी अंजाम दी जाती थी बच्चों पट्टा दखलू अपनी एक तारीख़ी अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर राजाओं की तक नशीनी की जाती थी इनकी हुकूमत की शुरुआत यहीं से होती थी उनको यहाँ पर ताज पहनाया जाता था चलिए बच्चों अब हम बादामी के बारे में जाने बादामी जो चालुक्या हुकूमत की राजधानी है जिसे हम वाटापी भी कहते हैं बच्चों बादामी में चालुकियाओं ने गारों में मंदिर तमीर किए बादामी के कारों में मौजूद नटराज और विष्णु की उभरी हुई संग राशि लाजवाब है चालुक्या के मंदिरों में मुसवराना तरक्की जो कि मंदिरों में मीनारों की तरह मूर्तियाँ मुजस्मे विष्णु, वराह, हरी हरा और अर्धनेश्वरा देख सकते हैं यानी बच्चों बादामी में जो गार है, जो है, में हैं जो मंदिर हैं उसमें मुख्तलिफ़ कस्म के मुजस्मे बनाए गए हैं विष्णु के वराहाा हरी और अर्धनेश्वरा के इस दौर में रोगन रंगसाजी को बढ़ावा मिला इस दौर की अजंता में रोगन रंगसाजी दुनिया भर में मशहूर है बच्चों रोगन रंगसाजी यानी इस दौर में रंगों से नक्शारी की गई जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है आप ये देख रहे हो अजंता के ग़ार की तस्वीर है चलिए बच्चों अब हम यहाँ एक वीडियो के ज़रिए बाद के ग़ारों के बारे में मज़ीद मत हासिल करें आइए बच्चों हम इस वीडियो के ज़रिए बादामी के हारों की सैर करें मैं आपको इस वीडियो में बादामी के हारों के बारे में मज़ीद मालूम दूँगी बादामी में चार हार हैं ये हार सर्ख बलवा पत्थर से बने हैं ये हार अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए बहुत मशहूर हैं बच्चों जो आप ये हार देख रहे हो पहली हार है पहली ग़ार सबसे पुरानी है इस ग़ार में नटराज की मूर्ति है अठारह हाथ वाले नृत्य करता हुआ मुजस्मा बेहद ही लाजवाब है गार के अंदर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं जिसमें अर्धनेश्वर पार्वती वगैरह के मुजस्मे खूबसूरत अंदाज में तराशी गई हैं गार की मीनारों पर जेवरात की तरह नक्काशी की गई है ये नंदी का मुजस्मा है गार की छतों पर भी मुजसमे बनाए गए हैं इन गारों में मुख्तलिफ़ कस्म के मुजसमे फतरों को तराश कर बनाए गए हैं ये गार नंबर दो है ये गार का बाहरी हिस्सा है इस गार के बाहरी हिस्से में विष्णु देवता का त्रिविक्रमा अवतार में बलि राजा का वध करते हुए एक बेहद ही खूबसूरत मूर्ति तराशी गई है दूसरी तरफ विष्णु वराह अवतार की मूर्ति सयाहों को अपनी तरफ राखब करती है यह गार नंबर तीन है और ये इसका बाहरी हिस्सा है ये बादामी का सबसे बड़ा हार है ये हार वैष्णो मंदिर है यहाँ पर यहाँ पर विष्णु देवता की मूर्ति बेहद खूबसूरत है बाहरी हिस्से में विष्णु देवता की शेष नाक पर बैठी हुई मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है इन हारों की मीनारों पर मुजस्मे बनाए गए हैं हार के अंदर हरी हरा त्रिविक्रमा वासुदेवता ब्रह्मा आदि हिंदू देवताओं की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं यह गार नंबर चार है यह गार जैनिज्म से ताल्लुक़ रखती है ये महावीर देवता की मूर्ति है गार के अंदर बाहुबली परशुनाथ और महावीर के मुजस्मे हैं महावीर देवता की खूबसूरत मूर्ति तराशी गई है अच्छा बच्चों अब हम यहाँ एक सरगर्मी करेंगे दर्ज जैल जुमलों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मल कीजिए पहली खानापुरी डिया खानदान ने कर्नाटक का नाम दिया दूसरी खानापुरी चालुक्या दौरे हुकूमत में सूबे का इंतज़ाम करने वाले को डियाश कहते थे तीसरी खानापुरी चालुकिया दौर में डियाश और डिया जुबान को काफ़ी तरक्की मिली चौथी खानापुरी डियाश के मनादिर फन तामीर का गहवारा कहलाते हैं बच्चों इसके जवाब सोचने के लिए मैं आपको पाँच सेकंड का वक्त देती हूँ अच्छा बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने जवाब सोच लिए होंगे चलिए बच्चों बताइए पहला जवाब क्या है हमारा जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों शाबाश बादामी के चालुक्या खानदान ने कर्नाटक का नाम दिया दूसरा जवाब बिल्कुल सही शाबाश विषयापति चालुक्या दौरे हुकूमत में सोबे का इंतजाम करने वाले को विषयापति कहते थे तीसरा जवाब जी बिल्कुल सही कन्नड़ा और संस्कृत चालुक्य दौर में कन्नड़ा और संस्कृत जबान को काफ़ी तरफ तरक् मिली चौथा जवाब जी बिल्कुल सही बच्चों शाबाश आय होले होले के मनादे फ़न तामीर का गहवरा कहलाते हैं चलिए बच्चों अब मैं यहाँ आपको घर के काम में चंद सवाल दे रही हूँ आप इन सवालत को लिख लीजिए पहला सवाल लोकेशी दुगम के बारे में लिखिए दूसरा सवाल पुलकेशी धुहम को दक्षिणा पतेश्वर का खिताब क्यों दिया गया तीसरा सवाल चीनी सैया हिविनसेंग ने पुलकेशी दुहम के बारे में क्या कहा चौथा सवाल चालुक्या के इंतजामी तौर तो तरीके के बारे में लिखिए। प्यारे बच्चों सबक की सरगर्मियों के साथ साथ होमवर्क के सवाल के जवाब तफसील के साथ लिख कर इस के पास जाँच करवाएँ उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप तमाम ने आज के इस वक्फे में काफी मालूम हासिल की हैं। आइंदा वक्फे में इसके आगे का मरहला पेश किया जाएगा शुक्रिया, खुदा हाफि